Renuka ma'am on your right. Hi. Renuka ma'am, you're coming to Bollywood after a long time. You are blushing, my friend. Such a cutie. Remember Sorry. Watching yes. Amapke Hair Con, you know, that's right. So, what made you say yes to this film? My God, the screenplay, the kind of screenplay it is, it's a very, very rare film. And I said, as an actor, one looks forward to acting in films which say something different, use, you know, fantastic actors as co-actors, and also tell a story in a very, very different manner. So there's a lot of intrigue, mystery, all the things that attract me as an audience is there in Three Stories. So when I read the screenplay and when they narrated the character to me, I was just floored by it. So it's been 14 years since I've done a Hindi film. Dil ne jase apna kaha was my last. So Three Stories is up. Thank God aapne ise apna kaha. Three Stories kare hain. Thank you so much. Thank you. Hi, Shivangi this side from Aaj Tak. Mere sawal Renuka ji se hai. Sabse pehle to bahut bahut mubarak. Bahut hi alag look mein aap nazar aa rahi hain aur hum ummeed karte hain ki alag role dekhne ko mile. Lagbhag कई सालों बाद अब वापस आ रही हैं और 23 साल बाद आप एक बार फिर से माधुरी जी के साथ काम करने वाली हैं तो उस बारे में जानना चाहेंगे कि कैसा एक्सपीरियंस है आपका काफ़ी लंबा वक्त बीत चुका है हाँ 23 साल बाद हम एक साथ काम करने वाले हैं और कर चुके हैं तो ऑब्वियसली आई डोंट नो वेदर आई शुड बी टॉकिंग अबाउट माय मराठी फिल्म ऑन दिस प्लेटफॉर्म बिकॉज आई वांट टू रेणुका जी आप हमें मिलती नहीं है हमेशा इसलिए आज यहाँ मिली है तो हमने यही वेरी डिसअपॉइंटेड शी इज वेरी डिसअपॉइंटेड नो शिवांगी ऑफ कोर्स इट्स अ ड्रीम टू वर्क विद माधुरी 23 साल पहले भी ड्रीम था उसके बाद मैंने ड्रीम किया कि कभी एक बार फिर काम करना चाहिए तो वो भी सपना पूरा हो गया तो शायद ये पिछला साल और ये साल सपने पूरे होने का साल है सो आई एम लाइक रियली वेरी वेरी हैप्पी टू हैव वर्क विथ हर एंड आई हैव टू से दैट इफ एनीबडी गेट्स अ चांस टू वर्क विथ हर प्रोड्यूसर एक्टर डायरेक्टर दे शुड गिव मनी एंड डू इट शी इज दैट फैंटास्टिक नेक्स्ट सवाल है पुलकित से फुकरे का जो मुंडा है वो इस फिल्म में किस अलग तरीके से नजर आएगा okay, मैं हिंदी में बोलूं जी जी प्लीज ओके नो बिकॉज़ अर्जुन कुडन अंडरस्टैंड दैट्स व्हाई जस्ट फॉर दैट आई लाइक टेक केयर ऑफ माय डायरेक्टर्स नहीं इसमें बहुत अलग है यार जैसे मैंने कहा उसमें यू नो थोड़ा स्वैग है दैट्स द फर्स्ट थिंग ही एक्चुअली टोल्ड मी व्हेन वी स्टार्टेड डूइंग द वर्कशॉप ही सेड थोड़ा स्वैग कम कर दो इसमें स्वैग नहीं चाहिए और थोड़े ऐसे यू नो नेक्स्ट डो कपड़े पहनेंगे ये करेंगे देन ही वांटेड द साइड पार्टी वी वर्कड ऑन द लुक देन आई थिंक मेजरली वी हैड टू वर्क ऑन थ्रोइंग द स्वैग अवे Because he didn't want swag says swagat for me, so and the moment I went on the set, I think the energy that Renuka ji gave me, I shot with her the first day, and it was just amazing. And I learned so much from you. Thank you so much, Pulkit. Renuka ma'am, hi, you're straight. You're pretty active on social media. Why not active in movies? My children are young. My eldest son is in the 10th now. He's going to give his exams very soon. So that's the only reason that I'm a 24/7 mom. So I can't really give so much time to films or television. But once they get into college, I think I'll be seen much more often on film. Okay. Ritesh और Pulkit आपसे एक सवाल है आप दोनों से एक सवाल है कि talking about three stories, तो आपकी क्या यादें हैं with three stories? मतलब talking about your college time, तो कुछ ऐसा कुछ यादें रही हैं आपके फ्रेंड्स हो या यू यूज्ड टू हैंग आउट इन सच प्लेस मतलब ये ऐसे इस मुंबई के इस एरिया में मतलब ऐसे हैंग आउट करते थे प्लीज शेयर समथिंग अबाउट दिस मतलब यू नो आई थिंक जो ये कहानी की जो द मेन आई मीन व्हाट अट्रैक्टेड मी आई थॉट इट्स नॉट प्रीची इट्स नॉट ट्राइंग टू इट्स बेसिकली अ डिफरेंट नैरेटिव ऑफ टेलिंग एक अलग कहानी है इट टॉक्स अबाउट कम्युनिटी लिविंग हम लोग एक दफा व्हेन वी वर थिंकिंग अबाउट द पिच ऑफ द फिल्म व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट इट सो आई रिमेंबर प्रिया अर्जुन एंड वी वर सिटिंग एंड सेड The interesting part about it is what happens in our culture that your neighbors become your family, you know, people who live. So there's maybe your family tree doesn't necessarily need to be a bloodline. It can be your neighbors, you know. So I think that's what we like in like the culture we have in this city and in our country. It's not a weekend culture, you know. Even on a Monday or a Tuesday, I'm sure you feel like you can call up your friend and go and meet him. No one's going to say, "Yar, main sirf aapko weekend mein milunga." Wo sirf US, UK. Fortunately, we are not like that, and I think so. What the like I said, even the so I have memories like that with friends,
But the core story is that it talks about, you know, these families which live together and how in a certain level they are connected, which is what you'll have to go and watch the film and it'll tell you. Pulkit, aap bataiye, your take, your memories with these three stories. You know, actually, main jahan se hoon, Delhi se, wahan pe jo humara ghar hai, usme actually three stories hi hain. So, like... Inke memories to film mein hi hai na. You'll get to see it. For more updates, subscribe to our YouTube channel and our Android app, Movie 9 PM.